Assalamu alaikum and welcome back to my channel. Today we are going to talk about another difference, that is cost and price. Agar hum dono ke meaning ki baat kare to dono ka meaning same hai. Hum isko keemat ke sense mein use karte hain. But both terms are used interchangeably in our daily life. Actually these terms are used in the context of sales. In other words, we can say both refer to the element of money. चले अब दोनों की डेफिनेशन को देख लेते हैं जिससे दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा. प्राइस की बात करें तो प्राइस क्या चीज है? प्राइस इज द अमाउंट दैट अ कस्टमर पेज फॉर द प्रोडक्ट. ऑन द अदर हैंड कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी शॉप पर जाते हैं और आपको वहाँ कोई नॉवल वगैरह पसंद आ जाता है या कोई ग्रामर की बुक पसंद आ जाती है. अगर नॉवल पसंद आता है तो वो नॉवल किसी भी ऑथर का हो सकता है. फेवरेट ऑथर्स जो होते हैं मोस्टली शेक्सपियर होते हैं, डेविड होते हैं और दूसरे पॉपुलर ऑथर्स होते हैं. उनकी बात करें तो आप अगर उस नावल को पसंद करते हैं तो आप वो ख़रीद लेंगे और आप कहेंगे भाई इस नावल की प्राइस क्या है. आप ये नहीं कहेंगे कि भाई इसकी कॉस्ट क्या है. क्या आपने कभी ऐसा सुना किसी के मुँह से कि किसी ने कहा हो कि इसकी कॉस्ट क्या है? कभी किसी कस्टमर ने कहा ऐसा कि इसकी कॉस्ट क्या है? ऐसा नहीं होता. प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस के बारे में आपने याद रखना है कि प्राइस हमेशा जो है वो कस्टमर के एंगल से होती है. यानी वो अमाउंट जो कस्टमर जो है वो ग्राहक जो है वो पे करता है शॉपकीपर को, वो प्राइस कहलाती है. नाउ टॉक अबाउट कॉस्ट. कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट के बारे में आपने याद रखना है कि कॉस्ट जो होती है वो हमेशा शॉपकीपर के एंगल से होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई शॉपकीपर जो है वो किसी कंपनी वगैरह से जो है वो बुक लेकर आया है, वो बुक जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 800 की बुक लेकर आया है, वो कभी भी 800 की बुक सेल कस्टमर को नहीं करेगा. वो हमेशा प्रॉफिट के साथ जो है वो कस्टमर को सेल करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसने 800 की बुक जो है वो कंपनी से लेकर आई तो 800 हो गया उसका एक्सपेंस जो उसने बुक पर लगाया पैसा. अब वो प्रॉफिट के साथ उसको फॉर एग्जांपल 200 में कस्टमर को सेल करता है. ये एक्सपेंस उसका कहलाएगा कॉस्ट. शॉपकीपर जो है वो 800 जो है वो एक्सपेंस लगाता है बुक पे, 200 प्रॉफिट जो है वो ऐड करेगा बुक पर. यानी वो 200 जो है 800 में 200 प्लस करो तो 1000 की बुक जो है वो कस्टमर को सेल करेगा. लेक्चर को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं. प्राइस की बात करें तो प्राइस जो होती है वो हमेशा कस्टमर के एंगल से होती है. अगर कोई कस्टमर जो है वो शॉपकीपर से कोई चीज़ ख़रीदता है तो वो उसकी प्राइस होगी. अगर कोई शॉपकीपर किसी कंपनी से वो चीज़ ख़रीद कर उसको सेल करता है कस्टमर को तो वो उसकी कॉस्ट हो जाएगी. अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.